मॉर्निंग, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 8 में अभी मैं पार्ट 3rd स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और गुलमर्ग की ये आपका चैप्टर है 8। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ओके, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है ना। तो अभी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि 32 कंप्लीट हो चुका है पेज नंबर, अब 33 की तरफ हम ध्यान देंगे। 33 में क्वेश्चन नंबर आपका 5। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 में क्वेश्चन नंबर है आपका, हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है। हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? क्या है यह जो दृश्य है, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात है ना, एक रात क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो बता रहा है कि हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है ना, यह दृश्य किस समय का है? समय में है, ऑप्शन नंबर आपका है जैसे में है प्रातः का, क्या है प्रातः काल है ना, प्रातः का। और उसके बाद से आपको ब में आ जाएगा दोपहर, क्या है ब में है दोपहर, दोपहर है ना। तो प्रातः काल दोपहर, क और ड में है साम्य का, क में आएगा आपका साम्य काल है ना, ड में है, ड में लिखेंगे आप, ड में अर्धरात्रि है ना, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि। ओके, तो आपको इसमें जो मैं अभी क्वेश्चन बोली हूँ ना, उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। जैसे कि हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो आपको बताना है कि यह दृश्य साम्य काल का है। लिखना है आपको, यह दृश्य साम्य काल का है, पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। क्या लिखेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर, कि यह दृश्य साम्य काल का है, तो पहाड़ों पर साम्य काल से ही क्या होता है, कोहरा गिरने लगता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, क। मैं आपको ओरल बता दी, आप समझ गए होंगे। ओके, अभी हम 5 क्वेश्चन के बाद से ध्यान देंगे 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में उसके लिए आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ, है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, अगर है तो आप क्या लिखेंगे, साम्य काल यह दृश्य साम्य काल का है, क्योंकि पहाड़ों पर साम्य काल होते ही वो हरा गिरने लगता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देंगे बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ग्रामर से रिलेटेड है ना। तो इसमें 6 क्वेश्चन में आप ये टेक्स्ट बुक पे ध्यान दे दीजिएगा एक बार। इसमें ऐसा बताया गया है, जैसे उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरोधार्थक शब्द बनाइए। देखिए यहाँ कंफ्यूजन करने वाला सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ है, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, 1 नंबर में है, उचित उपसर्ग जोड़कर लिखिए, उचित उपसर्ग जोड़कर, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके
चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, है ना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इतना लिख लीजिए, है ना। हेलो, लिख लिया आपने? ओके, चलिए अब इसमें शब्द क्या है उपसर्ग में? साधारण। क्या लिखेंगे? साधारण। मूल
शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षरों के समूह को उपसर्ग कहते हैं। नाउ आई स्टार्ट वन टाइम्स अगेन। ओके, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षरों के समूह को उपसर्ग कहते हैं। चलिए, डेट इज क्लियर, आगे बढ़े। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैं लिखी हूँ। जैसे उपसर्ग लगने से पहले कभी कभी शब्द का अर्थ अधिक प्रभावशाली बनता है। उपसर्ग का क्या होता है? कभी कभी उपसर्ग लगने से पहले उसका जो अर्थ है ना, उसका जो शब्द का जो अर्थ होता है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। चलिए मैं अब इसे इरेज कर देती हूँ, आप समझ गए। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे वन बाय वन इसको, है ना, कि इसे हमें कैसे करना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिएगा और आपको लिखना भी है। ओके, चलिए हमें करना है क्या है, लिखेंगे पहले साधारण। साधारण का उपसर्ग क्या होगा? यहाँ लिखिए वन नंबर में साधारण, है ना। साधारण का उपसर्ग क्या होगा? असाधारण। क्या लिखेंगे हम? असाधारण। अब यहाँ आप सोचेंगे कि ये साधारण लिखा हुआ है तो असाधारण क्यों हुआ, ये मैम यहाँ असाधारण क्यों लिख रही है? तो यहाँ हम ध्यान देंगे बच्चों कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। यहाँ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके वृद्धार्थी शब्द बनाइए। ओके, फिर से एक बार देखेंगे, उचित उपसर्ग को जोड़कर उन्हें उनके द्विधार्थी शब्द बनाना है। तो हमने यहाँ लिखा वन में साधारण, इसका लिखेंगे असाधारण, है ना, असाधारण। चलिए सेकंड नंबर में है मान, क्या है मान, तो इसका क्या होगा? मान का क्या लिखेंगे हम? मान का क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए मान का होगा आपका, मान का लिखेंगे सम्मान। क्या लिखेंगे हम? सम्मान। मान का लिखेंगे, सॉरी इसका विलोम शब्द लिखना है ना, तो मान का लिखेंगे अपमान, अपमान। यहाँ है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? उदार, उदार। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है उदार, थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा उदार, तो उदार का क्या लिखेंगे? अनुदार, अनुदार। फिर फोर्थ में है रंग, क्या है रंग, तो रंग का क्या लिखना है आपको? रंग का बेरंग, क्या लिखेंगे? बेरंग। फाइव नंबर में लिखना है आपको, फाइव में है स्मृति, फाइव में लिखना है हमें विस्मृति। चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द कैसे बनाएंगे। चलिए अब उसी में है आपका, ये फर्स्ट मैंने कराया, उसी में सेकंड के तरफ आएंगे हम, है ना। सेकंड में भी ठीक ऐसा ही है, उपसर्ग के जगह आपका क्या हो गया है, ये प्रत्यय आ गया है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उचित, इसमें हमने विरुद्धार्थी शब्द किया और इसमें यहाँ ये विरुद्धार्थी के शब्द के जगह पर विशेषण आ जाएगा। क्या आएगा? विशेषण, विशेषण। आपने विशेषण विशेषता पढ़ी है ना,
पहले इसे इरेज कर दूं, फिर मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय, है ना बच्चों? प्रत्यय देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में 33 में है। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। उचित उपसर्ग की जगह आ जाएगा आपका प्रत्यय। प्रत्यय जोड़कर यहाँ हम लिख देंगे प्रत्यय, है ना? उचित प्रत्यय जोड़कर उनके विशेषण शब्द बनाइए, यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। जोड़कर उनके क्या करना है? विशेषण शब्द हमें बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, है ना? पहले मैं शब्द लिख दूँ फिर आपको बताती हूँ। इस प्रत्यय में क्या है? सुरमा लिखेंगे, सुरमा, सुरमा, ओके, सुरमा आ गया आपका। फिर नेक्स्ट आएगा बरसात, 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 ओके। फिर आगे देखेंगे हम तूफान, तूफान, चमक, चमक, ओके। चमक के बाद लिखेंगे हम विस्फोट, क्या लिखेंगे? विस्फोट, विस्फोट, ओके। चलिए, सुरमा, बरसात, तूफान, चमक, विस्फोट। अब इसको हम, मैंने आपको अभी प्रत्यय के बारे में बताया, सॉरी उपसर्ग के बारे में, अब प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। अब प्रत्यय किसे कहते हैं, है ना? प्रत्यय, तो इसको किसे कहते हैं आपको मालूम है? ये शब्द के अंत में लगने वाले, क्या है इसमें? शब्द के, देखिए ना, शब्द के अंत में, अंत में, है ना? शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या शब्द के अंत में लगने वाले, लगने वाले अक्षर या, यहाँ हम लिखेंगे अक्षर या, अक्षर या, शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूहों को प्रत्यय कहते हैं। अक्षर या अक्षर समूहों, है ना, को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अभी मैंने आपको उपसर्ग के बारे में लिखाया, ओके। ये है उचित प्रत्यय जोड़ के उसके विशेषण शब्द बनाना है, इसमें विशेषता बताना है, ओके। तो इसका प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ये है शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर, शब्द के अंत में जो लगता है अक्षर या अक्षर के समूहों को प्रत्यय कहते हैं। फिर से रिपीट एक बार करती हूँ, शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर के अक्षर समूहों को प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूहों को प्रत्यय कहते हैं, है ना? उसके पहले क्या था? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उसमें क्या था? मूल शब्द के पहले, उसमें पहले और इसमें अंत में, मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षर या समूहों को उपसर्ग कहते हैं। आपको याद रखना है उपसर्ग में आगे और प्रत्यय में पीछे विशेषता, है ना? तो उपसर्ग में मूल शब्द को पहले इस्तेमाल करने से, है ना, और उचित प्रत्यय को जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। चलिए अब हम आगे देखेंगे बच्चों कि इसे हम कैसे बनाएंगे। पहला क्या है? सुरमा। पहला क्या है? सुरमा। तो सुरमा को कैसे लिखेंगे हम? सुरमा,
सुरमा, चलिए इसे इरेज कर दो, लिख लिए ना आपने। पहला है आपका सुरमा, सुरमा है ना, तो इसको पढ़ते करें कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे हम इसमें, आपको विशेषण लगाना है तो क्या लिखेंगे, सुरमई, क्या लिखेंगे, सुरमई, ओके, सुरमई, सुरमा। वर्षा दूसरा है, वर्षा सा है ना, तो बरसात का क्या लिखेंगे हम, बरसाती, बरसाती। तो क्या हुआ है, हम ये प्रत्यय का विशेषण का विशेषण कर रहे हैं, ओके। तूफान तो क्या आएगा, तूफानी, थर्ड है तूफानी, सॉरी पहले ये लिख दे, तूफान, तूफान, तूफान का क्या आएगा, तूफानी, तूफानी, ओके। चलिए और ये फोर्थ में चमक, तो चमक का क्या लिखेंगे बच्चों, आप बता सकते, आप तो इतना आ गया आपको, तो आप तो लिख सकते हैं ना, चमक का क्या लिखेंगे, चमक, चमकीला या चमकदार, क्या लिखेंगे, चमकीला या चमकदार। ऐसे ये चार पांच टेक्स्ट बुक में से मैं आपको करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि इतना ही आएगा, इससे अलग भी आएगा, पर आपको सही जानना बहुत जरूरी है कि उचित प्रत्यय को जोड़कर उनके विशेषण शब्द बनाइए। तो चमक है तो क्या लिखेंगे, चमकदार या चमकीला है ना, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चमकीला, चमकीला या चमकदार भी लिख सकते हैं, चमकदार, जो आपको इजी पड़े, ओके। फिर फिफ्थ नंबर में है क्या, विस्फोट, विस्फोट है ना, विस्फोट में क्या लिखना है आपको, विस्फोटक, विस्फोटक, ओके। चलिए ये आपका सेकेंड का उपसर्ग भाव प्रत्यय कंप्लीट हुआ, ओके बच्चों। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे, थ्री क्वेश्चन नंबर है आपका, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लीजिए, अभी हमने विरोधार्थी शब्द किया, विशेषण किया, अब संज्ञा आएगा, उचित प्रत्यय को जोड़कर उनके संज्ञा बनाना है, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए, उचित प्रत्यय जोड़कर उनके संज्ञा बनाइए। चलिए मैं अभी ये रफ कर देती हूँ, आपने लिख लिया, ओके। संज्ञा बनाइए, उचित करते हैं जोड़ कर संज्ञा बनाइए, संज्ञा, संज्ञा बनाइए, है ना। चलिए तो इसमें क्या है, संज्ञा बनाना है, तो इसमें भी है लाल खामोश, देखो लाल है ना, खामोश, लाल खामोश, कमजोर आकर्षण, कमजोर आकर्षण, है ना, ये आप आपको चार दिया गया है। चलिए लाल खामोश कमजोर और आकर्षक, इसको आपको क्या करना है, पहले हेडिंग पे ध्यान दीजिए, उचित प्रत्यय जोर पर संज्ञा बनाना है, है ना, इसको संज्ञा बनाना है, तो कैसे करेंगे हम,
बनाना है तो लाल है तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला लाल। तो संज्ञा बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, संज्ञा कैसे बनाएंगे, लालिमा, क्या लिखेंगे, लालिमा, है ना, लालिमा। सेकंड आएगा आपका, सेकंड नंबर में है खामोश, तो क्या लिखेंगे हम, खामोशी, खामोश, खामोश, तो क्या लिखेंगे, खामोशी। खेल दिखाए। ओके बच्चों, हरी ओम, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, ओके।